त्योहारी सीजन के कारण नवंबर में इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर की बिक्री इक्यानवे हजार यूनिट से ज्यादा रही वाहन डेटाबेस के अनुसार बैटरी से चलने वाले स्कूटर मोटरसाइकिलों की बिक्री अक्टूबर में केवल चौहत्तर थी विदेशी निवेशकों का भारतीय शेयर बाजार पर बढ़ा भरोसा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी के मुताबिक विदेशी निवेशकों ने दिसंबर में अब तक नौ करोड़ रुपए की खरीदारी जो नवंबर में हुई कुल खरीदारी नौ करोड़ रुपए से ज्यादा है सेंसेक्स निफ्टी में तेजी बरकरार सेंसेक्स 431 अंकों की उछाल के साथ उनहत्तर हजार हुआ बंद निफ्टी भी एक अंकों की जोरदार बढ़त के साथ बीस हजार हुआ क्लोज नमस्कार व्यूअर्स मैं हूं अमीश देवगन रात के इस समय नौ बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का ट्यूसडे एडिशन यानी मंगलवार एडिशन इंडिया अलायंस की कल होने वाली बैठक टल गई है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में यह बैठक बुलाई थी लेकिन नीतीश कुमार ममता बनर्जी अखिलेश यादव हेमंत सोरेन ने इस बैठक में आने से इंकार कर दिया है तो दूसरी और तीन राज्यों में मिली बहुत बड़ी हार के बाद कांग्रेस के सहयोगी उसे आईना दिखा रहे हैं वहीं इस हार से तिल मिलाई कांग्रेस अब ईवीएम पे हार का ठीकरा फोड़ रही है तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी सबसे जोरदार टक्कर और मुझे तो गाना याद आ रहा है गीत याद आ रहा है मोहम्मद रफी साहब का सुख के सब साथ ही दुख में ना कोई और यह गीत इसलिए याद आ रहा है कि आज कांग्रेस को तमाम वो लोग आईना दिखा रहे हैं जो उसकी एक आवाज पे चले आते थे लेकिन वाकई कांग्रेस के दिन पॉलिटिकल दिन खराब जरूर दिखाई दे रहे हैं तो आज टक्कर में इसका विश्लेषण भी करेंगे इस पर चर्चा भी करेंगे स्वागत है आपका टक्कर के ट्यूजडे एडिशन में कहीं जीत का जश्न कहीं ईवीएम पर ठीकरा में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है खत्म खत्म। दिग्विजय सिंह तो हैं, है आसे नहीं बहुत पुराना रिकॉर्ड है मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह कहते मेरे अपने गांव में मुझे पचास वोट मिले ये कैसे हो सकता है कहते है, मेरे अपने में और घर से मैंने देखा मुझे तो बहुत हंसी आती है ऐसे जोक्स मारते हैं कई ऑपोजिशन के लीडर जो इतने सीनियर है अगर ईवीएम रहता तो मुझे लगता है हिमाचल जो तरीके से हारे थे वहाँ पर भी वो मेजोरिटी में चुन के आते ईवीएम पे सवाल भारतीय जनता पार्टी ने भी उठाए थे तो अगर ईवीएम पे कुछ बात चलती है इलेक्शन कमीशन को उसका संज्ञान लेना चाहिए ईवीएम पर बवाल के बाद अब जरा बीजेपी की जीत का दूसरा साइड इफेक्ट देख लीजिए हार का दुख दर्द कांग्रेस ने इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई लेकिन तमाम बड़े साथियों ने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया नतीजा 6 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक टल गई और कंफ्यूजन इतना है कि कोई कह रहा है पहले ही बैठक के बारे में पहले से सबको पता था तो कोई कह रहा है हमें जानकारी थी ही नहीं मेरे को पता नहीं है मेरे को जानकारी नहीं है इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में तो मेरे को जानकारी होता तो हमें थोड़ा ही प्रोग्राम रखता चुनाव नतीजे आने से पहले ही इस बैठक का आयोजन किया था इस बीच कांग्रेस को आईना दिखाने का सिलसिला भी जारी है ये भाजपा का सक्सेस नहीं है कांग्रेस का है। आप लीडरशिप रोल ले रहे हैं में, तो आपकी जिम्मेदारी दुगना हो जाती है और आप किस तरीके से अपने अलायंसेस को साथ लेकर चलेंगे वो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है आप परिणाम आ गया आयदार भी खत्म हो गया। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस जीते तो हम हारे तो ईवीएम और अब वक्त है सुपरसिड विश्लेषण का लेकिन एक तरफ जीत के लड्डू है बीजेपी के द्वार पर तो हार पर विपक्ष में हाहाकार है और ये हाहाकार क्यों है आइए इसका एक विश्लेषण कर लेते हैं ईवीएम के चलते हार दिग्विजय सिंह माननीये है चिप वाली कोई भी मशीन हैक हो सकती है सोचिए और वीडी शर्मा कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह बहुत बड़े झूठे हैं ईवीएम के पीछे छुपने की चाल है दिग्विजय सिंह को देखना चाहिए कि आखिरकार उनकी पार्टी चुनाव क्यों हारी है कारण क्या है 18 साल हो गए 20 साल हो गए मध्यप्रदेश में हारते आ रहे हैं कमलनाथ कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता सीएम कैंडिडेट थे इस बार जिससे पहले से परिणाम का पता था उसने एग्जिट पोल बनवाया अब सोचिए नवनीत राणा सांसद है हिमाचल कर्नाटक तेलंगाना में सवाल क्यों नहीं उठाया एक तरफ एक्जिट पोल उसने बनवाया जिसको परिणाम पता था अरे जनता वही बोल रही थी तो जनता करके आ रही थी लेकिन शायद उस जनता की आवाज आप नहीं बन पाए परतों में आगे गठबंधन में दरार स्टालिन व्यस्त है नीतीश की तबीयत नासाज है ममता का इनकार है और नतीजा कल होने वाली गठबंधन की बैठक रद्द है यानी 6 तारीख को जो बैठक होनी थी अब वो कैंसिल हो गई है परतों में आगे कांग्रेस को अपनों का आईना अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया अब अहंकार खत्म हो गया होगा कुणाल घोष टीएमसी के और ममता बनर्जी के बेहद करीबी यह हार कांग्रेस की बड़ी विफलता है प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव गुट की कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा नीतू सिंह विधायक कांग्रेस पार्टी की नीतीश के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़े इंडी गठबंधन यानी यह कह रही है कि कांग्रेस का कोई नेता लायक ही नहीं है कांग्रेस की विधायक कह रही है कि कांग्रेस का कोई नेता लायक नहीं है इंडी गठबंधन की अलायंस की अगुवाई करने के लिए कांग्रेस की नेता कह रही है कांग्रेस की विधायक कह रही है कोई और नहीं कह रहा बढ़ता हूं मैं आगे और बड़े सवाल की तरफ आता हूं करारी हार के बाद कांग्रेस की सियासी साख पर बट्टा लग चुका है हिंदी पट्टी में सफाया और सनातन को बार बार निरंतर गाली क्या कांग्रेस की साख पर बट्टा लगा गई है यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे साथ बातचीत करने के लिए कौन कौन मौजूद है आज इस बड़े पैनल में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ जुड़ेंगे तहसीन राजनीतिक विश्लेषक है अपनी बात रखते हैं मेरे साथ तारिक अहमद लारी है नेता है समाजवादी पार्टी के उनका अभिनंदन है विवेक श्रीवास्तव है लेफ्ट के नेता है इंडिया अलायंस हमेशा फेवर करते हैं मेरे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी जुड़ेंगे आज तो बड़ा दिन है मैं सीधा रिएक्शन ले देता हूं पहले आपसे तारिक अहमद साहब सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं क्या आपको लगता है ईवीएम में दोष है ईवीएम गलत थी तो तेलंगाना में क्या हुआ बंगाल में क्या हुआ कर्नाटक में क्या हुआ हिमाचल में क्या हुआ मिजोरम में क्या हुआ वहां भी तो ईवीएम थी भाई सबसे पहली बात तो ये ईवीएम का इजाद किसने किया हिंदुस्तान में ईवीएम को लेकर कौन आया भारत में और ईवीएम को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया आपको अंदाजा नहीं था कि ये इस तरह की हरकत हो सकती है जब आप खुद ये कर लेकर आए हैं तो आज लिए रो रहे हैं भाई कमलनाथ जी तो कमलनाथ जी कह रहे हैं है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं एक कह रहे हैं कि चिप वाली कोई भी मशीन हैक हो सकती है और एक कह रहे हैं कि जिससे पहले से परिणाम का पता था उसने एग्जिट पोल बनवाया उन दोनों का यही कहना है इशारा यही है ईवीएम खराब थी हम तो सही हैं आप समाजवादी पार्टी हाहा अहंकारी हाहाकारी अहंकारी जवाब है उन लोग का अहंकार से घिरा हुआ जवाब है माननीय दिग्विजय सिंह जी हैं तो अब मैं क्या कहूं बहुत ही सीनियर मोस्ट और बहुत ही इज्जत लायक व्यक्ति हैं वो हम बहुत इज्जत करते हैं उनकी लेकिन अब थोड़ा सा रिटायरमेंट ले लेना चाहिए उनको रिटायरमेंट ले लेना ले ले चाहिए मैं रुक करता हूं विवेक श्रीवास्तव का विवेक श्रीवास्तव ईवीएम में दिक्कत है यह इंडिया गठबंधन में दिक्कत है यह कौन देखिए ब्लैक एंड और राजनीति में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता अमीश भाई आप सीनियर आदमी हैं और स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स आप भी हैं और मैं भी हूं ब्लैक एंड व्हाइट नहीं ग्रे है हाँ ईवीएम भी एक फैक्टर होता है ईवीएम में डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती हैं और हम तो चाहते हैं सभी पार्टियां चाहती हैं विपक्षी कि बैलेट बॉक्सेस पे हम शिफ्ट करें दूसरी बात कोऑर्डिनेशन बहुत खराब था आई के घटक दलों का और मान सम्मान एक दूसरे को नहीं मिला वोट बटे राजस्थान में हम अलग लड़ रहे थे लेफ्ट वाले कांग्रेस अलग लड़ रही थी समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही थी मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस अलग लड़ रही थी कोऑर्डिनेशन की कमी थी गलत था जिसकी वजह से उससे भी रिजल्ट्स अफेक्ट हुए हैं और कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक रणनीति हमेशा की तरह रही भारतीय जनता पार्टी की हिंदू वोट भुनाने की तो ये कई फैक्टर्स थे किसी एक फैक्टर के ऊपर ही हम टिप्पणी ना करें सबका मिश्रण लेकर के तो चले बोला कि कई फैक्टर्स थे। विवेक विवेक आपने बोला ईवीएम भी एक फैक्टर है कोऑर्डिनेशन में कमी भी एक फैक्टर है और हिंदू पोलराइजेशन भी एक फैक्टर जी। है जी और वोटर कोई जी। फैक्टर नहीं है। को मैं मानता हूं नहीं देखिए वोटर देखिए अब आप क्या होता है अगर आप वोट परसेंटेज को स्टडी करेंगे तो जो चार मिजोराम को अगर मैं साइड करके चार राज्यों के अगर मैं वोट्स को गिनूं तो अभी भी कांग्रेस के टोटल नंबर ऑफ वोट चारों राज्यों में ज्यादा होंगे शायद बीजेपी से लगभग बराबरी के हैं वोट परसेंटेज में भी कोई ज्यादा फर्क आपस में नहीं है ओ, कहीं भी एक दो परसेंट तीन परसेंट का उन्नीस बीस होता है के अंदर, पके पके 50 लेकिन चुनावों के अंदर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पचास वोट शेयर क्रॉस करा दिल्ली के अंदर पचास परसेंट वोट शेयर क्रॉस करा यानी अगर अगर आप मिल भी जाए तब भी नहीं हरा पा रहे उनको और सपा मिल गए ऐसा नहीं है 2019 के लोकसभा चुनावों हाँ। के अंदर आर एल डी मिल गई वो नहीं हरा पाई और मैं आपको बता रहा हूं दो हजार बाईस का मैं चुनाव कवर कर रहा था व्यूअर्स ये बात आप नोट करिए करिए और और रिकॉर्ड इसे शेयर करिएगा मैं मैं आपको बताता हूं मैं था मेरठ के आसपास और मेरठ के आसपास मैंने वहां पे ताऊ घूम रहे थे तो मैंने पूछा कि भाई आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होगा आरएलडी का क्या माहौल है आपको लगता है बोला ये जयंतवा को जब बसपा और सपा ने समर्थन दे दिया ये तब ना जीता तो इब क्या जीतेगा ये उनका कहना था भाई मोदी की लहर है ये 2022 के विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं भाई योगी का जोर है ये कहना था का। दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच और मैं आपको ग्राउंड जीरो की बात कर रहा हूं मैं किस कोई अनफिल्टर्ड बात बता रहा हूं मैं फर्स्ट टाइम ये बात मेरे कहीं सार्वजनिक मंच पे कही है दिस इज वोट अ वोटर सेट कि जो जयंत चौधरी सपा बसपा के अलायंस के बाद नहीं जीता वो कैसे जीतेगा इस बारी उसकी पार्टी कैसे जीतेगी एग्जैक्टली exactly चाहूंगा आपने हिंदुओं हिंदुओ का वोट एक तरफ कर लिया और आपने पोलराइज करा और ईवीएम तो को दोषी है ही देखिए विवेक जी की पार्टी करना जैसे केरल में भी एक ट्रेंड था कि एक बार यूडीएफ आती थी एक बार एलडीएफ आती थी पिछली बार एलडीएफ यानी लेफ्ट की सरकार थी और एक बार यूडीएफ जिसको कांग्रेस लीड करती वो आती थी इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार बदली नहीं और एलडीएफ यानी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार कंटिन्यू कर गई तो आप पता नहीं विवेक जी किस विवेक के आधार पर बोल रहे हैं कि इनकी पार्टी की सरकार कंटिन्यू कर गई केरल में और इसके बावजूद उसमें ईवीएम की गड़बड़ी थी मुझे लगता है कि इस बारे में ईमानदारी से विचार करना चाहिए दिग्विजय सिंह जी के विषय में कहूंगा दिग्विजय सिंह जी ईवीएम क्या वो तो अपनी सरकार को ही दोष दे दिए थे याद है छब्बीस ग्यारह का जो हमला था वो यूपीए यानी कांग्रेस की सरकार का कहना था कि हाफिज सईद ने कराया और दिग्विजय सिंह जी का कहना था आरएसएस ने कराया तो वो तो अपनी सरकार की ऐसी तैसी कर देते थे तो ईवीएम के बारे में क्या जी. बोल रहे हैं उनके अपरिमित ज्ञान की तो कोई तुलना ही नहीं कर सकता है अब विवेक जी ने जो दूसरी बात बोली थी मैं उसके ऊपर कहना चाहता हूं वास्तविकता यह है कि ये सारे दल पीटी पिटाई मानसिकता के पुराने धुराने फार्मूलों के ऊपर टिके हुए हैं ये इक्कीसवीं सदी में कभी आए नहीं इनकी घड़ी 1970 80 और 90 के दशक में अटक गई है इसलिए इनको लगता है जाति का कार्ड खेलेंगे तुष्टीकरण का कार्ड खेलेंगे और सब कुछ परिवार के पास रहेगा फिर भी जनता इनको वोट कर देगी पर अब साक्षरता दर 80 परसेंट से ऊपर है मिलेनियम जनरेशन है इक्कीसवीं सदी है सबके पास सूचना है सबको अच्छी तरह पता है कि जाति का चूरन देकर अपने परिवार को संपत्ति अर्पित करने का दौर चला गया जनाब परिवारवाद के सारे स्तंभ उत्तर से दक्षिण तक डह गए आपको समझ में नहीं आ रहा है और जिसको आप हिंदुत्व तो कह रहे हैं ना एक्चुअली में हिंदू पोलराइजेशन नहीं है ये स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो गए अब दो पीढ़ियां हो गई अंग्रेजों के बाद की अब यह भारत का नैसर्गिक स्वरूप स्वाभिमान और आत्म गौरव के साथ उभर रहा है मगर मैकाले और मार्क्स की विरासत को अपनी मानसिकता में रखे हुए लोगों के लिए इसको समझना मुश्किल है इंप, ये आपकी बड़ी समस्या है क्योंकि आप मैकाले और मार्क्स के मनोरोग से ग्रसित है जी ओके मैं आपको मौका देता हूं अपनी बात को रखने का मैं तहसीन आपके पास आ रहा हूं लेकिन विवेक श्रीवास्तव जवाब जी देखिए जहां तक मार्क्स की बात है इन्होंने शायद मार्क्सवाद पढ़ा नहीं है और मार्क्स जो गरीब और पिछड़ों की एक लड़ाई है जो शुरू हुई थी और हमेशा रहेगी ना तो मार्क्सवाद खत्म होगा ना वामपंथ खत्म होगा ये उन्नीस बीस के इलेक्शंस में हार और जीत से आप वामपंथ को चैलेंज मत करिए ये तो हो गई पहली बात दूसरी बात क्या हम जानते नहीं है कि सांप्रदायिक राजनीति आप करते आए हैं उन्नीस से पहले से हमेशा आपने इंडिपेंडेंस के टाइम पे कोई स्ट्रगल नहीं किया उस वक्त भी यही समस्या थी 1947 में जब पार्टीशन हो रहा था तब भी आप लोग इसी में लिप्त थे हिंदू वर्सेस मुस्लिम में महात्मा गांधी का एक असैसिनेशन हुआ वो भी सांप्रदायिकता के तहत हुआ और एक हिंदू ने ही किया जो एक ब, सबसे पहला जिसको हम आतंकवादी मानते हैं आजाद हिंदुस्तान का तो क्या ये सब चीजें सत्य नहीं है कौन सी इक्कीसवीं सदी हम तो बात करते हैं विज्ञान की और वैज्ञानिक सोच की और आप क्या बात करते हैं अगर किसी आदमी ने क्वेश्चन कर दिया कि बाबा रामदेव गौमूत्र बेचते हैं नब्बे का और दूध बेचते हैं चालीस रुपए का तो क्या ज्यादा महंगा हुआ और क्या ज्यादा जरूरी है और किस तरह की दिशा में हम चल रहे हैं तो आपको क्यों दर्द होता है आप वैज्ञानिक सोच की बात करिए ना डरे हुए लोगों को ईश्वर का डर दिरा कर दिखा करके राजनीति करना क्या यह देश को ले जाएगा और सुपर पावर बनाएगा संस्कृति के नाम पर या पिछड़ा हो जाएगा हर व्यक्ति के जीवन में समस्या है, एक तारिक अहमद भी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन सुधांशु देखिए बिल्कुल संक्षेप में कहता हूँ देखिये जो मार्क्स के बारे में कही कितनी मजेदार बात है आ, 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 अमीश जी अरे मार्क्स को अपनी धरती पर नकार दिया गया लेनिन को अपनी धरती पर नकार दिया गया मगर उसके झंडा बरदार अलंबरदार आज भी यहां आकर उस गफलत की दौर में जीते रहना चाहते हैं और रही बात वैज्ञानिकता की और इन सारी बातों की तो जनाब जिसको आप सनातन धर्म को उन्मूलन की बात करते हैं समझिए एटम बम के आविष्कार रॉबर्ट ओपन से लेके सबसे पहला गैलेक्सीज में अपना सोलर सिस्टम के बियॉन्ड सैटेलाइट के द्वारा परग्रही सभ्यता को संदेश लिखने वाले कार्ल सेगन से लेके इरविन चौडिंगर से लेके नील बोर से लेकर वर्नर हाइजनबर्ग तक के वैज्ञानिकों को उसमें ज्ञान नजर आया है रॉकेट साइंस के फादर वॉन ब्रॉन का जो गुरु था हरमन ओबर उसको ज्ञान नजर आया इनमें से किसी ने हिंदू धर्म का ना पालन किया भाई आप और ना कोई ऐसी कि कि आप थी जिसको इन्होंने जहाँ बता दी धरती था वो आपको समझ में आ सकता है मेरा निवेदन है आज के विषय पर आते हैं आपने बोला की उनमें से कोई भी हिंदुइज्म को फॉलो नहीं करता था लेकिन ये देश तो सनातन और हिंदुइज्म

सुनिए इरविन इरविंदौडिंगर की किताब है व्हाट इज लाइफ पूरा चैप्टर एक के लाइफर आपको अनकॉमन विजडम भाई देखिए आपने हमने टर्न पे में बोली विवेक जी की बहुत गलत आदत है विवेक जीने लगते हैं इरविन शौडिंगर की किताब है व्हाट इज लाइफ और जिसमें कि उन्होंने पूरा एक चैप्टर परिषदों पर लिखा है अब सुनिए फिट जैक कैपरा की किताब है अनकॉमन विजडम उसमें पे पेज नंबर तो इकतालीस को करते में लिखता है, है। कि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ थ्योरी को जो टेंटिव उन्हें समझ में नहीं आया फिर बोल रहे बीच में पदवीजी करते चले जाते जब मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं किताब का नाम कोट कर रहा हूं राइटर को कोट कर रहा हूं पेज कोट कर रहा हूं यही मैं कहना चाहता हूं झूठ का प्रपंच जो कम्युस्टों ने बनाया था अब सूचना की क्रांति में उसके पर खचे उड़ गए हैं मार्क्स को मार्क्स की धरती में पूछने वाला कोई नहीं है यहां पूछने वाले आज तक बैठे हुए हैं क्योंकि वो मार्क्स की और मैकाले की मानसिक मेरिजुआना से ग्रसित है ये ड्रग्स हो गई है जैसे ड्रग्स ड्रग एडिक्ट को कुछ दिखाई नहीं पड़ता वैसे ये मार्क्स और मैकाले की मार्जुआना के ड्रग एडिक्ट हो गए इसलिए इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है किताब राइटर पेज समझ में नहीं आ रहा आपने अपनी बात को रखा मैं मैं त, मैं तहसीन पूनावाला के पास जाना चाहता हूं वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं तहसीन पूनावाला इट इज योर टाइम आपने पेशेंटली अपने टाइम का वेट करा लेकिन पॉइंट ये है कि ईवीएम का दोष है हिंदूवादी ताकतों ने वोट डाल दिया उसका दोष है और ईवीएम कर्नाटक तेलंगाना हिमाचल में सही थी यहां गलत हो रही है ईवीएम अखिलेश यादव कह रहे हैं अहंकार अहंकार अब, अब तो कम हुआ होगा कह रही है कांग्रेस की हार है बीजेपी की जीत नहीं है कांग्रेस की हार है जी अव्वल तो मैं आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो बीजेपी की जीत हुई है उस पर ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि भाजपा इन तीनों राज्यों में जनता की सेवा करेगी ईवीएम e ईवीएम में, e में क्योंकि मैं खुद एक पिटिशनर हूं और माननीय इलेक्शन कमीशन ने जब सारे एम और एम को बुलाया था एक मीटिंग uh, में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैं एक मैं ही एक व्यक्ति था जो ना ही एम पी या एमएलए या पूर्व एम पी एमएलए था जिससे जिसको न्यौता मिला था कि वहाँ वहाँ आकर ई वी एम तो मैं कुछ uh, तथ्य रखना चाहता हूँ जी तो इसमें मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ देखिये ईवीएम की वजह से नहीं हारी है कांग्रेस लेकिन जो कांग्रेस जो विपक्ष चाहती है आपके माध्यम से अगर मैं बता दू कि जो वी वी पैट है 100% परसेंट वीवीपैट काउंटिंग उसमें एक डेढ़ घंटे का और काउंटिंग का समय लगेगा और मुझे लगता है एक डेढ़ घंटा दो घंटा भी लगे तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है ताकि ट्रांसपेरेंसी हो दूसरा जो वो मुद्दा उठाना चाहती है जहां तक मेरी जानकारी में जो मैं उन्हें एडवाइस दे रहा हूं वो वीवीपैट जिस पेपर पे प्रिंट होता है वो पेपर पे इंक चली जाती है तो आपको अगर पिटिशन भी डालना होता है किसी रिजल्ट को चैलेंज करने के समय उसको तीन चार महीने लग जाता तब तक वो इंक डिसअपेयर हो जाती है तो हमारी डिमांड है कि जो वीवीपैट का पेपर है वो बार कोडेड हो और वो ना हो इंक ताकि वो टैली हो सके इसके अलावा इस वक्त देश का मूड ईवीएम के खिलाफ नहीं नहीं और विपक्ष भी नहीं उठाना चाहती है तहसीन जी मेरे पास कई सारे बयान है चाहे वो दिग्विजय सिंह का हो कमलनाथ का डायरेक्टली इनडायरेक्टली बयान हो प्रियंका चतुर्वेदी का स्टेटमेंट हो ये सारे स्टेटमेंट है ईवीएम को लेकर इससे विपक्ष को नुकसान होगा और कमलनाथ जी ने कुछ डायरेक्टली नहीं कहा और दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान है विपक्ष को जो मेरी एडवाइस है और छह तारीख को मीटिंग हो रही है उसमें भी मैं उनको यही बताने वाला हूँ की मीटिंग कैंसिल हो गई है, को को है।, है। छह की मीटिंग कैंसिल हो गई इनडायरेक्ट को तैयार नहीं जी है मना कर दिया है और स्टालिन भी नहीं आ सकते मेरे पास पूरी जानकारी है मैं बता देता हूं क्या क्या है स्टालिन व्यस्त है नीतीश नासाज है ममता का इंकार है अखिलेश यादव नहीं आ रहे हैं इसके अलावा सिर्फ हेमंत सोरेन तक ने मना कर दिया है कोई आने को तैयार नहीं है जी लेकिन को... जी लेकिन लेकिन जो भी इनफॉर्मल मीटिंग होने वाली है छः के बाद और उसमें शायद उद्धव जी वगैरह आ रहे हैं वहाँ पर ये

ईवीएम को लेकर थोड़ी सी जो 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 इश्यूज है जो मैंने धर्मेंद्र यादव जी से भी डिस्कस किया था था उसमें यह है जैसे अयोध्या में जब वोटिंग हुआ अर्बन और रूरल मैं स्टेट इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ लोकल बॉडी इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ तो अर्बन इलेक्शन अयोध्या में जो वीवीपैट से ईवीएम से वोटिंग हुआ था वहां पर सप्पा हार गई लेकिन रूरल अयोध्या में जहां बैलेट पे हुआ था वहां सप्पा जीत गए और वो अर्बन और रूरल अयोध्या बिल्कुल पास में है जी? तो ये जो कुछ संदेह है इसको सिर्फ इसको ठीक करने के लिए पैट की जवाब जवाब लेते देखिए पहली बात तो ये इंडिया अलायंस के बारे में जो विवेक श्रीवास्तव जी ने बड़ा हंगामा काटा था मेरे साथ आप ही के चैनल में बैठकर और पूना वाला भाई ने हंगामा काटा था आज वो चीज आपको अमीश भाई सामने दिख रही है जो आप बोल रहे थे वही हो रहा है क्या प्रॉब्लम चल रही है वही हो रहा है अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ थर्ड फ्रंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं थर्ड फ्रंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं ममता जी ने एक बात कही थी कि कांग्रेस को समझौता करना पड़ेगा कि जहाँ पे उसकी हैसियत नहीं है वहाँ पे वो ना बोले तो अब वही पोजीशन आ रही है जो मैंने उस दिन बोला था और विवेक जी अरे नहीं और ये होगा तो हंगामा होगा तो इलेक्शन के बाद सब एक है तो फलाने हम आपसे ज़्यादा जानते हैं विवेक जी आप लेफ़्ट का करते हैं आप काल मार्क्स को जानते होंगे आप लेनिन को जानते होंगे आप उनको जानते होंगे मैं सिर्फ इन लोग को जानता हूँ ये सब बेकार के लोग हैं मेरा हिंदुस्तान ना काल मार्क्स के उससे चलेगा ना हिटलर के उससे चलेगा जो उस उन लोगों के नक्शे कदम पे तो चलना चाहेगा वो अपने देश को भी बर्बाद करेगा तो और खुद अपने आप को बर्बाद करेगा हम फिलहाल अपने भारत की बात कर रहे हैं भारत के नागरिकों की बात कर रहे हैं सुधांशु जी आपसे भी मेरा यही समाजवादी पार्टी के अपने नागरिकों की बात कर रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है शायद आपको वही नहीं ज्ञान है आपको ये भी नहीं कम्युनिस्ट पार्टी आपके, आपके, आप के हेडक्वार्टर बुलाया था एवी वर्धन की मेमोरियल मीटिंग में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ आपको यह भी नहीं पता होगा तो जब आपको ज्ञान कम है पुरानी राजनीति का तो आप थोड़ा समझ के बोलिए और बहुत सी बातें जो होती हैं वो समय पे बोली जाए बोली हैं कितने साल से राजनीति में मैंने उसका राजनीति में कितने साल से चाहिए है? आप पहले पचास साल की उम्र कब्रिस्तान में लेटे और दादा भी कब्रिस्तान में लेटे हैं जो भी राजनीति के बारे में मुझे न सिखाइएगा मैं मुलायम राजनीति के बारे में मुझे न सिखाइएगा ये यादव ये विषय नहीं है लेनिन मार्क्स का हमारी चर्चा से कोई लेना देना नहीं है वो विषय नहीं है इसलिए

डार्क्यूमेंट हो गया था दोनों में मैं एक बात कह रहे कांग्रेस को लगता है कि अगर उनकी गरिमा बहुत ज्यादा है लीडरशिप क्वालिटी की जरूरत है उनका सीधा प्रश्न गांधी है अशोक चौधरी मंत्री है नीतीश कुमार की सर, जीव जीव सरकार में करीबी है नीतीश बाबू के वो कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी गठबंधन की बातें बोलकर नहीं काम करके किया जाना चाहिए राज्यों के चुनाव पर कांग्रेस ने गठबंधन के दलों से बात नहीं की इसलिए हश्र और हाल हुआ के सी त्यागी कह रहे हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब तो अहंकार कम हुआ होगा कांग्रेस की विधायक नीतू सिंह कह रही हैं मैं आपको बता रहा हूं कांग्रेस की विधायक नीतू सिंह कह रही है कि नीतीश कुमार अगवानी करे अगवानी करे इंडिया गठबंधन की यानी उनको खुद लगता है कांग्रेस के विधायकों को कांग्रेस का कोई नेता लायक नहीं है हम खुद भी यही कह रहे हैं हम खुद भी यही कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन घटक दलों के बीच में ठीक नहीं हुआ समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक स्ट्रांग फैक्टर के रूप में बहुत से वोट खत्म हुए कांग्रेस के अलग लड़ी है राजस्थान के अंदर बहुत सी सीटें जो हम जीत सकते थे वो हम भी जा... तो वोट तो कटे वो हैं भी अगर सपा साथ होती भी तब भी आप चुनाव हार रहे थे और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये गलत देना चाहूंगा जवाब देना चाहूंगा बोलिए इस है इस पर जवाब ये है कि जब लोगों ने देखा जनता ने देखा कि अपने घटक दलों के साथ धोखेबाजी चार सौ बीसी झूठ मक्की कर रहे हैं तो ये जनता के साथ क्या करेंगे जनता ने समझ लिया कि धोखेबाज लोग हैं जनता ने वही इनको नुकसान पहुंचाया है इनको किसी पार्टी ने नुकसान नहीं पहुंचाया इनको जनता ने नुकसान पहुंचाया तारिक अहमद कांग्रेस खुल के कहूंगा के साथ तहसीन समाजवादी के साथ धोखा दिया है कि सौ बीसी की है ओके तहसीन देखिए अमित जी मैं आपके शो में आता हूँ अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की लैंग्वेज आपके शो में इस्तेमाल करता है जिस पॉलिटिकल पार्टी का मैं समर्थक हूँ तो मैं उस पर ऑब्जेक्शन लेता हूँ आप आपकी बात रखिए तमीज के दायरे में के रखिए 400 सौ बी गद्दारी किस तरह की लैंग्वेज है हम क्या सड़क की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या टीवी शो के ऊपर ये किस तरह की लैंग्वेज है इस तरह की लैंग्वेज इस तरह का भाषा में भी प्रयोग कर सकता हूँ आपको अच्छा लगता जी क्या है आप उनको उस दिन भी उन्होंने कमलनाथ जी के बारे में अनाप शनाप कहा क्या एक किस तरह का हो रहा है अमी जी मैं आपके शो में आता हूँ मैं अपनी बात रखता हूँ तहजीब के अंदर आप प्लीज बोलिए प्लीज आप तहजीब में रखते बोलिए नहीं बोल सकते तो प्लीज आप बोलिए कि कांग्रेस ने गलत किया मकारी ये क्या लैंग्वेज है डायरेक्ट नहीं है मैं कांग्रेस को अपना बात रखना अच्छा अच्छा चाहता हूं अगर आप ए, 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 मतलब लेकिन क्या मतलब ही होता है 400 आप इनको आप आप इनको कह रहे हैं कि 400 400बीसी मकार, और मकारी खराब शब्द है अब आप मुझे बताइए अजय राय ने क्या शब्द बोले थे अखिलेश यादव के लिए चुनाव के भीतर गलत बोला गलत बोला गलत बोला माननीय अखिलेश यादव जी के लिए गलत बोला तो तो क्या क्या कमलनाथ जी ने भी गलत बोला देखिए जो गलत है वो गलत है लेकिन इसका मतलब इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं भी कर, भी जो भी है ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें ये नहीं होगा ना अमीश जी इट इज जो रॉन्ग है रॉन्ग है उस दिन भी आपके शो पे आके कहते मैं नेता हूं कमलनाथ नेता है बराबरी के नेता है थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम है क्या कुछ ये क्या ये क्या हो रहा है आपके शो पे अमित जी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कोई किसी को भी आप लिया जी में अपनी बात अगर आप, आप, आप इजाजत दे रहा हूं हूँ पर्सनल अटैक तारिक अहमद लारी करने लगेगा तो पूनावाला जी बैठ ना पाएंगे आप देख पर्सनल अटैक मैंने किया ना तो आप बैठ ना पाएंगे ये थर्ड क्लास कहेंगे समाजवादी वाले ऐसी बात कर रहे हैं अपने संभालिए उसके बाद कहिए जब आप हमारे नेता के बारे में बोलेंगे देखे। तो बट है जैसी तेरी दाल बात वैसा मेरा फातिया जैसा तेरा गाल वैसा मेरा तमाचा मेरा ये ट्रैक्टर सीधे सीधे रहता आप जैसा करोगे मैं वैसा दूंगा ठीक अच्छा है तहसीन 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 बोलाना मानिए उसमें तहसीन बुना वाला भाई आप हो कौन आप हो कौन

जी जी जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट हुआ मैं इस बात को मानता हूँ और शायद बड़ा दिल दिखाने की जरूरत थी लेकिन अगर आप

ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है दक्षिण में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है यानी जो बात कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे शब्द कहे थे इस के, इस के नेता उदयनिधि स्टालिन ने, ने सीएम के सुपुत्र मंत्री उनकी सरकार में उन्होंने अपश कहे थे दक्षिण में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और 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 साथ ही साथ बयान के विरोध में कुछ कांग्रेस के नेताओं के भी बयान आए हैं आचार्य प्रमोद किशन ने कहा है कि माफी मांगनी चाहिए कार्तिक चिदंबरम ने कहा है माफी मांगनी चाहिए अब बयान नहीं देना चाहिए था अधीर रंजन चौधरी ने बोला है तो कांग्रेस का हृदय परिवर्तन हुआ है सनातन पर हमला बर्दाश्त नहीं है आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं मैं सीधा रुख करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का ये पूरी हिंदी पट्टी हारने के बाद कांग्रेस का जरूर हृदय परिवर्तन हुआ है आपका रिएक्शन सुधांशु त्रिवेदी देखिए यही एक समस्या है कि जो अलग अलग चेहरे थे जो मैं पहले कह रहा था बताइए कमलनाथ जी ने गो सेवा के बारे में अपने घोषणा पत्र में चुनाव में कहा कि हम उसको बढ़ाएंगे राजस्थान में भी कहा गया और वहां पर यह बताइए इस ढंग का कमेंट हो रहा है और उसके बाद साथ रहने में यह जो बैलेंसिंग है वो बड़ी समस्या है देखिए अभी आपके डिबेट के ऊपर अमित जी जो कुछ दिखाई पड़ा इस इंडिया गठबंधन के बीच में जो सौहार्दपूर्ण समन्वय दिखाई पड़ा उसे देखकर मेरे मन में जानते क्या भाव उत्पन्न हुआ वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा पहले आपके इस प्रश्न का उत्तर दे दूं जिन लोगों के मन में हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बारे में इस ढंग का भाव रहता है उनके साथ जानते क्या गति होती है एक रामचरित मानस की चौपाई है कि सुमति कुमति सबके उर अर्थात अच्छी मति अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि सबके मन में रहती है सुमति कुमति सबके उर नाथ पुराण निगम यह कहें यही पुराण और कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना तो इनपे चूंकि कुमति दिखाई पड़ रही है इस कारण से अनेक विपत्तियां आ रही है और जो सुंदर समन्वय दिखाई पड़ा उसके लिए मैं कहना चाहूंगा आपके इस टीवी शो के ऊपर आज वो बिल्कुल जाहिर हो गया तो अपने सभी इंडिया गठबंधन के सम्मानित को समर्पित करते हुए कहना चाहूंगा छुपाएं तो कैसे अब जो चेहरे से ही जाहिर है कैसे? तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे घर सजाने का तस्वुर हुआ बात की बात अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे आज इंडिया गठबंधन की यह वस्तु स्थिति हो गई है इसलिए मैं कहना चाहता हूं अगर यथार्थ और ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए समर्पित होकर अहरिश ट्वेंटी फोर काम करें जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करते हैं तो स्थिति बदल सकती है अन्यथा तात्कालिक मुद्दों पे बयानबाजी करके जाति और सांप्रदायिकता का कार्ड खेल कर मेरे विचार से अब जब भारत की राजनीति में कार्य हो जाया करता जी जी तारिक अहमद तारिक अहमद अहमदी सेकेंड आप थर्टी सेकेंड देखिए देखिए यहां पहली बात है यहाँ कोई कवि सम्मेलन नहीं चल रहा सुधांशु जी एक बात को ध्यान रखिए ना मुशायरा चल रहा है ना कवि सम्मेलन चल रहा है दूसरी बात यह है कि कौन सा इंडिया गठबंधन मैं तो पिछले तीन महीने से चिल्ला रहा हूँ और आप भी सामने बैठे हुए हैं मैं पूछ रहा हूं कौन सा इंडिया गठबंधन जबरदस्ती आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन हमारा कौन सा इंडिया गठबंधन है अमीर जी आप ही बता दीजिए मुझे तो कहीं दिखाई नहीं मैंने पिछली बार भी कहा था और मुझे अभी हजारों मील तक दिखाई नहीं दे रहा है मुझे वाकई में नहीं दिखाई दे रहा है मुझे थर्ड फ्रंट जरूर दिखाई दे रहा है वो थर्ड फ्रंट कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये मुझे नहीं मालूम है, है ठीक है सुधांशु सुधांशु कि इंडिया इंडिया नाम की कोई चीज नहीं है उन्होंने 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 कोई कोई मुशायरा नहीं सुनाया था कोई कविता नहीं सुनाई थी उन्होंने उन्होंने एक छंद सुनाई थी ओके सुधांशु देखिए मैंने तो मैटर को थोड़ा लाइट करने का प्रयास किया लारी साहब आपने सही कहा यहां ना कभी सम्मेलन नहीं था यहां तो दे देनादन चल रहा था एक दूसरे के ऊपर दे और पता नहीं अगर ब्रेक ना आ जाता तो भाषा जाती और अगर इंडिया गठबंधन नहीं है लारी साहब इंडिया गठबंधन नहीं है तो ये मुंबई की बैठक में अखिलेश यादव जी किस में गए थे वो पीछे तो लिखा था ना जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया तो आकर बोलते थे तो कृपया आज आप स्थिति स्पष्ट कर दीजिए कि समाजवादी पार्टी के नेता कब कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ है या नहीं है सबसे बड़ा हमला है भारतीय जनता पार्टी का इंडिया गठबंधन अस्वाभाविक है जो बात तारिक अहमद लारी कह रहे थे जो बात कई विपक्षी दल अब लाइन से कह रहे हैं मैं इस पर आपका तहसीन पूरा वाला रिएक्शन चाहूंगा तेजस्वी कह रहे हैं ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे सुधांशु त्रिवेदी भी यही कह रहे हैं तारिक अहमद भी यही कह रहे हैं कि अलायंस अब कोई नहीं है अब तीसरा फ्रंट है और तो उस तीसरे फ्रंट पे कांग्रेस की एंट्री नहीं है तेजस्वी सूर्य जी कर्नाटक को संभाल ले वहां पे इनको एलओपी अपॉइंट करने में इतना समय तो कर्नाटका में तो बीजेपी का सफाया हो चुका है लेकिन जो बातें इंडिया की यहाँ कहेगी कोई इंडिया अलायंस नहीं है ठीक है तो शायद अखिलेश यादव जी ऐसे ही मुंबई आए थे हायित के अंदर वहां इंडिया अलायंस की मीटिंग थी उसका एजेंडा तो आपके पास भी आया था ना अमित जी इंडिया आया था ना तो अमीश जी तो शायद अखिलेश जी आप मत अपनी पे पे आपके, आपके, आपके शो पे जो महाशय बैठे हुए जो ज्ञानी बैठे हुए आपके शो पे उनसे उन्होंने उनसे उन्होंने कंसल्टेशन नहीं ली तो आप अगर देखिए अमित जी मैं अपनी बात समाप्त करते मुझे जाना है आप आपका शो बहुत ही सम्मानित है मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली आप बुलाते हो लेकिन अगर आप आपके शो पे एक सीरियस डिस्कशन नहीं लगोगे कोई व्यक्ति रामचरित्र मानस की दो लाइनें कहता है आप उसको कहते हो कि मुशायरा चल रहा है आपके शो पे तो ऐसे व्यक्ति के साथ मुझे डिबेट नहीं करना है जिसको ये नहीं पता कि अखिलेश यादव जी इंडिया अलायंस की मीटिंग में आए थे आप किसी को भी ले आए आपके शो पे बिठा दीजिए और वो अपने आपको बड़ा नेता समझता है तो उसकी तो वो पहले की बात हो रही थी इलेक्शन के दौरान अखिलेश जी ने खुद कहा था कोई इंडिया अलायंस नहीं है इलेक्शन के बाद देखेंगे और उसका जवाब उन्होंने कल की मीटिंग में ना जाकर उन्होंने देखिए देखिए ऐसा है कि आ, आ, नहीं देने चाहिए तारिक भाई आपको ठीक है कुछ लोग मीटिंग में कल नहीं पहुंच पा रहे हैं जिसकी वजह से मीटिंग स्थगित हुई है औपचारिक तरीके से ऐसा कुछ नहीं है कांग्रेस ने कुछ मिस्टेक्स करी हैं कुछ अन्य पार्टियों ने करी हैं हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहा मीडिया के सामने भी है, है। आपस में भी घटक दल एक दूसरे से बात कर रहे हैं दोषारोपण चल रहा है लेकिन 2024 में इकट्ठे मिलकर तो तो के लोग लड़ रहे हैं बातचीत चल रही है स्ट्रैटेजीज और सुनी है फाइनल बात बताता हूँ अमीश भाई देखिए जहां भी गठबंधन की पॉलिटिक्स होगी बैड ब्लड होता है वाजपेयी जी की एक सरकार थी जयललिता जी ने के साथ जो जो ड्रामे हुए थे हमने खुद देखे हैं

बहुत सी बातों पे उनके अपने जो सहयोगी पार्टनर्स थे उनके साथ नहीं थे बहुत से मुद्दों के ऊपर जयलिता जी के साथ एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ था हम सब ने देखा था उसको मीडिया पे तो ये और दूसरी बात 2004 में जब हम लोग आए थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी तब तो भी वो इसी तरह की परिस्थितियां थी ओके दल आपस में नहीं बन पा रहे थे कुछ कुछ अलायंस जी आप कह रहे कि इलेक्शन के पहले होंगे कुछ इलेक्शन के अलायस लेकिन 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 ना बीजेपी उस तरह की है ना विपक्ष उस तरह का है आज की तारीख के अंदर सुधांशु त्रिवेदी बैड ब्लड होता है विपक्ष अलायसेस के अंदर गठबंधन में बैड ब्लड हो जाता बात है विवेक जी अब ये क्या हो जाता है कि लाल सलाम वालों को देखिए लाल सलाम वालों को लाल वन से बड़ा प्यार होता है खून ऊन इनको बहुत जल्दी समझाता बैड ब्लड कहने लगे मुझे तो नहीं लगता कि गठबंधन में कहीं खून या ब्लड जैसी कोई चीज आती होगी हां इनकी जरूर स्थिति रहती है जब ये गठबंधन में रहते पाउंड ऑफ फ्लश निकालने की कोशिश करते हैं और यूपीए वन में यही हुआ था और अगर मैं कहूं कि कांग्रेस की पराभव के सबसे बड़े कारण यही लोग बने चूंकि हिंदू आतंकवाद जैसी थ्योरियां कभी कांग्रेस इससे पहले नहीं करती थी वो लेफ्ट की थ्योरियां थी कोई बात नहीं मगर साहब वो जमाना बहुत पुराना हो गया वो कहानी बहुत पुरानी हो गई अब ये मोदी जी का दौर है वो दौर थे जब हम उतने मजबूत नहीं थे आज भाजपा बहुत मजबूत है गठबंधन भी उतना ही मजबूत है इसलिए तो सदी में आए नहीं अहमद लारी की बात को कहते थे आचार्य प्रमोद कृष्ण बोले तो आप बोलते थे ना आप लेकिन, आप, आप कहते थे ना हाँ। भाई ये ये आचार्य जी का विचार हो सकता है सनातन को दीजिए लेकिन अब आप देखिए अब तो लाइन हाँ। से कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं इस बात को और लाइन से विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन क्या है इंडिया गठबंधन का तो भेद पूरा खुल के बाहर आ गया है। भाई जब हार होती है जब हार होती है क्राइसिस होता है मनमुटाव होता है खींचा तहानी होती है दोषारोपण जरूर होगा लेकिन कुछ ही दिनों में लोग इससे बाहर निकल आएंगे और अभी भी निकलेंगे आप देखिएगा अगर ऐसा होता तो औपचारिक रूप से आकर के ममता बनर्जी बोल देना आई एन डी ये खत्म है बोल दें आकर के ममता बनर्जी ने तो ये बोला बोल इसका अर्थ तो तो क्या आप बता तो दीजिए तो क्योंकि ममता बनर्जी मतलब लेफ्ट में कांग्रेस कांग्रेस के कांग्रेस के नेता कांग्रेस के नेता इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का वामपंथीकरण कांग्रेस की लुटिया को डुबा रहा है और ममता बनर्जी क्या कह रही है ममता ममता बनर्जी कह रही है मुझे पता नहीं है मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मैंने नॉर्थ बंगाल में कार्यक्रम रखा हुआ है अगर मुझे जानकारी होती तो मैं कागज क्यों रखती संजय राउत कह रहे जानकारी पहले ही थी रेड एडवांस थी ममता बनर्जी इंकार कर रही हैं भाई यहाँ क्या संजय राउत झूठ बोल रहे हैं या ममता बनर्जी झूठ बोल रही है चुनिए एक को नहीं नहीं जिस जिस कौन तारीख बदलारी को पोस्ट और तारीख है बदलारी को पोस्ट कर बंदा नहीं नहीं, नहीं नहीं तो ये जि जिस कॉन्फिडेंस तारीख अहमद बैठे कह रहे हैं साहब कुछ वही नहीं आया एनडीआई गठबंधन तो बाकी किसी दल ने ओके, बोला ओके, है तारीक तारीक के आधिकारिक नहीं बोला जवाब दे दीजिए तारीख स्टालिन जी की स्टालिन जी की तारीख अहमद जी भाई देखिए ये जो बातें कर रहे हैं इन इनसे बात करना बेकार है मैं पहले भी आपको बता चुका था इन्होंने बड़ी लंबी लंबी डिगिया हा की थी और मुझे ना जाने क्या क्या कह दिया था तो खैर वो सब बातें दूसरी हुई लेकिन आज उसको प्रैक्टिकल आप अपने सामने देख रहे हैं अमित जी कि ममता जी क्या कह रही है नीतीश जी क्या कह रहे हैं अखिलेश जी क्या, क्या कह रहे हैं रुकूंगा एक अंतराल के लिए लेकिन ब्रेक के उस पर बहुत सारी बड़ी खबरें हैं इंडिया अलायंस से जुड़ी हुई ब्रेक के बाद सीएनबीसी आवाज का टक्कर एडिशन जारी है mongia steel presents majboot stocks of the day icl Fincope announces public issue of secured और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय जुड़े हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शेखावत साहब पहला सवाल क्या एग्जिट पोल के बाद आपके मन में भी शंका आ गई थी कि राजस्थान कहीं हाथ से ना निकल जाए या जा फिर आप कॉन्फिडेंट थे मैंने निरंतर यह बात कही थी कि राजस्थान की जनता अब की बार इस कांग्रेस की नकारा निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का मानस बना चुकी है जी एक साल पहले हुई जनाक्रोश यात्राओं के समय में जो जनता के मन के भाव हम लोगों ने समझे थे और धरातल पर जाकर के राजस्थान के सभी कोनों में जो महसूस किया था कि राजस्थान की जनता अब इस सरकार को जो मात्र अपना संवैधानिक आयुष पूरा कर रही है एक दिन भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है जी मेरा अगला सवाल है आपने जीत के बाद कहा कि जादूगर का जादू नहीं चला तो फिर किसका जादू चला मोदी का देखिए माननीय मोदी जी ने पिछले नौ साल दस साल में जिस तरह से देश के एक तरफ सामान्य मानवीय के जीवन को परिवर्तित किया देश के 130 करोड़ लोगों में जिस तरह से स्वाभिमान जागृत किया है भारत का मान और सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ा है, और जिन प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार है उन प्रदेशों में जिस तरह से तेज गति से विकास हुआ है जादू तो माननीय मोदी जी का चल रहा था और या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम का लेकिन क्या सनातन धर्म का विरोध कांग्रेस के लिए शराब बन गया जैसा कांग्रेस के एक बड़े नेता ने भी ट्वीट किया और जाति का मुद्दा भी नहीं चला गजेंद्र सिंह शेखावत लेकिन निश्चित रूप से जी जिस तरह से पिछली सरकार ने तुष्टिकरण की नीति पर काम किया था अनेक उदाहरण है मैं आज उन उदाहरणों में नहीं जाना चाहता लेकिन दंगों से लेकर के और हर अवसर पर तुष्टिकरण उस तुष्टिकरण के चलते हुए राजस्थान की जनता पहले ही आक्रोशित थी और फिर सनातन पर जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए मैं यह मानता हूं कि केवल राजस्थान में नहीं मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में उसका एक व्यापक प्रभाव हुआ है और निश्चित ही ये जो कुछ इन्होंने कहा है और जिस तरह की प्रतिबद्धताएं उन्होंने सनातन को समाप्त करने को लेकर के व्यक्त की है चाहे कितनी भी जने शर्ट के ऊपर पहन करके मंदिर में तिलक लगा करके और गांधी परिवार के लोग चले जाए जनता अब इनकी हकीकत को पहचान चुकी है क्या राजस्थान में बुलडोजर मॉडल काम करेगा क्योंकि सीएम योगी ने भी राजस्थान की चुनावी सभा में प्रचार के दौरान इसका जिक्र किया था शेखावत जी देखिए बुलडोजर मॉडल कोई मॉडल नहीं होता विषय यह है कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करना पड़ेगा राजस्थान में कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ उसको भारतीय जनता पार्टी यानी आपकी पार्टी ने बुनाया भी क्या आपको लगता है वो भी जीत का एक कारण बनी उदयपुर में बड़ी जीत हुई बीजेपी देखिए जैसा मैंने कहा कि पिछली सरकार ने जिस तरह से तुष्टिकरण की दंगों के समय में दंगों के जांच के समय में उनके गिरफ्तारियों के समय में मुआवजे के समय में जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया जिस तरह से त्योहारों पर उत्सवों के समय धारा एक लगा करके प्रतिबंध लगाए गए और दूसरी तरफ एक दूसरे समाज को पोषित करने के लिए जिस तरह की घटनाएं हुई जी उसके कारण से निश्चित रूप से एक आक्रोश जनता के मन में था और कन्हैयालाल टेलर की हत्या और वो एक ऐसे व्यक्ति की हत्या जो पांच छह सात बार पुलिस के सामने जाकर के सुरक्षा की गुहार लगा चुका हो निश्चित रूप से इसने जनता के मन और मानस को उद्वेलित किया है इसी तरह की घटना छत्तीसगढ़ में भी हुई जहां एक व्यक्ति को लव जिहाद के चलते हुए अनेक लोगों ने इकट्ठे होकर के पीछे पीछ, पीछ करके मार डाला और उन्होंने हमारे प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ा था और प्रचंड बहुमत अगला सवाल निश्चित ही कन्हैयालाल टेलर की उस हत्या ने इस कांग्रेस पार्टी के ताबूत में अंतिम केल ठोकने का काम जरूर किया था लेकिन राजस्थान में अब अगला सवाल तो मुख्यमंत्री पर है वसुंधरा राजे होंगी या कोई और होगा या आप भी हो सकते हैं गजन शेखावत हो सकते हैं क्या मैंने बार बार ये कहा आज फिर एक बार कहूंगा कि ये विधायक दल की बैठक होने दीजिए विधायकों को अपना नेता चुनने दीजिए उस पर मोहर लगाने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है शेखावत साहब आखिरी में एक छोटा सा सवाल है मेरा आपके सांसद जो विधायक का चुनाव जीत गए हैं क्या वो लोकसभा 2024 में दोबारा लड़ेंगे या फिर वो विधायक ही रहेंगे चलिए देखिए पार्टी का निर्णय होगा पार्टी तय करेगी धन्यवाद बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेखावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए ये है टीवी और आप देख रहे हैं सी एन बी सी आवाज नमस्कार मैं हूं दीपाली राम आप देख रहे हैं कल का बाजार आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल पर जब इन्वेस्टमेंट की बात हुई ट्रेडिंग की सर...